मारुति का चार्ट है और यहाँ पर मैंने एक पोजीशन लिया है कितने पर है, 3839 पर। जो मेरी क्वांटिटी है, जो मेरा ट्रेड है, मैं उसे दिखाना तो नहीं चाहता, क्योंकि ज़्यादातर लोग इंस्पायर होते हैं लोगों की बड़ी बड़ी पोजीशन देखकर, बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट देखकर, तो वहाँ से हमको इंस्पायर होना नहीं है। कौन कितना कमा रहा उससे ना मतलब हो, कि आपको स्ट्रेटजी या जो तरीका होता है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो 10 लाख कमाए कोई, सॉरी मतलब मेरा कहने का मतलब, चाहे 10 लाख कमाऊँ या 10 हज़ार कमाऊँ या 10 रुपये कमाऊँ, आपको मिलना 1 रुपये नहीं है, तो फिर हमारा पोजीशन देख के कोई आपको मतलब नहीं है। इसको तो मत देखिए, क्योंकि ये तो एक डमी है, मैंने वैसे ही ले लिया था चेक करने के लिए। यहाँ पर आप देखिए, मैंने यहाँ पर पोजीशन लेने का मेरा रीज़न क्या था, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन, सब पहली बात तो यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर आ रही है। ओके, मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा ब्रश। ओके, यहाँ से आप देखिए, यहाँ से ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है। ओके, ट्रेंड लाइन आई, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ था, और ओपन होने के बाद इसने ब्रेक कर दिया अपने ट्रेंड लाइन को। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर देखिए, ये हो गया रिटेस्ट हमारा, रिटेस्ट होने के बाद ऊपर जा रहा है, और यहाँ पर मैंने पोजीशन बनाई। दूसरा रीजन ये था पोजीशन लेने का, यहाँ पर देखिए हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। ओके, हेड एंड शोल्डर का यहाँ पर पैटर्न क्रिएट हो रहा है, ये रहा हमारा हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। ओके, तो इस हिसाब से भी मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए, और दूसरा रीजन हमारा ट्रेंड लाइन का हो गया, और यहाँ पर ये हमारा एक रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेक करके इसने सपोर्ट बना दिया। तो ये परफेक्ट एंट्री थी हमारी, और हमने यहाँ पर एंट्री कर ली है। मैं आपको अपना ये दिखा दे रहा हूँ, हाँ मैंने पोजीशन लिया है, लेकिन कितना लिया है ये मैं नहीं दिखाना चाहता। जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा 54 पॉइंट का, और हमारा जो एसएल रहेगा वो 15 से 16 पॉइंट का, लग 16 पॉइंट का है। ओके, तो हमारा जो आरआर बन रहा है 1:3 का बन रहा है। इस पर हम आज काम करने वाले हैं। देखते हैं कि हमारा टारगेट अचीव होता है या हमारा एसएल होता है। वेट करते हैं और देखते हैं। तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है मारुति, लेकिन मुझे एक थोड़ा सा यहाँ पर डर है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते आ रहा है। ओके, इस ट्रेंड लाइन को, हो सकता है कि मार्केट हमारा एसएल कर दे यहाँ पर आके। ओके, ट्रेंड लाइन को अगर टच करने के लिए दोबारा आता है तो हमारा एसएल 100% है कि लेके जाएगा, एंड अगेन उसके बाद मार्केट अपसाइड के मोमेंटम कर सकता है। इस चीज़ का हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने एसएल अपना छोटा रखा है, कि अगर एसएल भी हो जाता है देन हम यहाँ पर दोबारा एंट्री ले सकते हैं। मनी मैनेजमेंट के साथ एंड री एंट्री कर सकें, ऐसा मैंने ट्रेड लिया है कि दोबारा एंट्री भी हो सके और हमारा लॉस भी बड़ा ना हो। अभी देखते हैं, यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट यहाँ से घूम के नीचे आए, इस ट्रेंड लाइन को टच करे एंड अगेन ऊपर जा सकता है। अभी वेट करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है आगे। अभी तो हम अपने टारगेट के करीब आ चुके हैं, बहुत ही तेज मोमेंटम हुई यहाँ पर, और सिर्फ कुछ पॉइंट अभी बचे हैं ऊपर जाने के लिए, जो मेरे टारगेट को अचीव होने के लिए सिर्फ 10 पॉइंट। अभी वेट करते हैं थोड़ा सा और देखते हैं। ये जो रेड कैंडल है, ये इस वाली जो येलो कैंडल हमारी मतलब ग्रीन कैंडल, इसको ब्रेक करके नीचे नहीं आना चाहिए। अगर नीचे आता है तब मार्केट डाउन साइड के लिए मोमेंटम कर सकता है। इसको थोड़ा सा ब्रेक कर दे तो 100% है कि ऊपर ही आ जाएगा। अभी तो यहाँ पर थोड़ा सा हल्ट कर रहा है, हो सकता है कि टारगेट अचीव कर सकता है हमारा। वेट करते हैं थोड़ा सा और देखते हैं। यहाँ पर जो मार्केट इस समय रुका है, यहाँ पर आके रुक गया,
इसका रीजन ये है कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बहुत सारे जो हमारा ऊपर का सपोर्ट क्रिएट हो रहा है इस वीक से, यहाँ पर बहुत सारे वीक बने हैं और यहाँ से मार्केट हमारा हो रहा है, यहाँ से आगे हल कर रहा है, रुक रहा है वहाँ पर। सो रीजन यही है, मैंने टारगेट के लिए ये बनाया है ऊपर और ये हमारा टारगेट हो गया अचीव। ओके, देखिए यहाँ पर टारगेट एकदम अचीव हो गया और यहाँ से मैं अब एग्जिट होता हूँ। ओके, मैं वो थोड़ा नीचे आ गया। ओके, आ गया, सही है, एग्जिट करता हूँ मैं यहाँ से। ओके, हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो गया और हमारा प्रॉफिट जो हो गया वो कंप्लीट हो गया। मैंने अपने जो पोजीशन था मैंने उसको काट दिया और यहाँ पर वन मिनट, हाँ ओके, यहाँ पर मैंने मारुति को कर दिया है इस समय एग्जिट। और पोजीशन मैं आपको शो, पोजीशन जो प्रॉफिट हुआ वो तो मैं नहीं शो करूँगा आपको, मैं ये दिखा दूँगा हाँ कि एवरेज प्राइस ज़ीरो हो गया और क्वांटिटी ज़ीरो हो गई हमारी। सो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको एनालाइज और कर देते हैं हम क्या आगे हो सकता है इसमें। सो यहाँ पर आज चांसेस हैं कि मारुति ऊपर ही रहेगा आज। शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था कि ये डबल ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न क्रिएट हुआ है, हेड एंड शोल्डर का। एक बार फिर से मैं क्रिएट कर देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न क्रिएट हुआ है और ये देखिए जो हमने टारगेट दिया था उससे भी ऊपर जाके मार्केट पहुँच रहा है ऊपर। सो टारगेट हमारा बहुत अच्छे से अचीव हुआ है और ये मार्केट अभी भी यहाँ तक ऊपर आ सकता है बहुत ही आराम से, एंड उसके बाद मार्केट डाउन या अपसाइड कर सकता है। तो अब मार्केट कहीं भी जाए, चाहे 1000 पॉइंट की मूव दे दे, इसके बाद अब ट्रेड नहीं किया जाएगा, एक ट्रेड बहुत हो गया। सो अभी मार्केट यहाँ तक आ सकता है, इसको टच करने के बाद हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा सा डाउन साइड के मोमेंटम में देखने को मिले यहाँ से, यहाँ से मार्केट नीचे आके इस ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद फिर से ऊपर जा सकता है। अदरवाइज यहाँ तक नहीं आएगा, अगर यहाँ टच करने के बाद तो यहाँ तक इसको आना पड़ेगा एंड देन अपसाइड को मोमेंटम करेगा, यहाँ तक आएगा गेयर, यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, अगर ऊपर यहाँ टच होता, यहाँ जाके ऊपर टच अगर होता है तब इस रेसिस्टेंस को, देन मार्केट यहाँ पर तक नीचे आएगा एंड देन फिर ऊपर जाएगा। ओके, सो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये हमारी लाइव ट्रेडिंग की वीडियो थी 28 अप्रैल की और जो हमारा टारगेट है वो बहुत ही जल्दी आज अचीव हो चुका है। मैंने यहाँ पर शायद यहाँ पर मैंने पोजीशन बनाई थी और हमारा जो टारगेट था वो सिर्फ 20 से 30 मिनट के अंदर टारगेट अचीव हो चुका है और मैं यहाँ से एग्जिट हो रहा हूँ, बाहर हो ही गया हूँ। और यहाँ पर टारगेट हमारा रखने का जो पर्पज़ था, टारगेट मैंने क्यों रखा था, आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि मार्केट यहाँ पर आने के बाद काफ़ी हल्ट हुआ था, यहाँ पर रुका था मार्केट और मैंने इसी को अपना टारगेट बना लिया था, क्योंकि ज़्यादा टारगेट हम बड़ा रख नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक हमारा रेजिस्टेंस एक हिसाब से क्रिएट हो रहा है, ऊपर भी रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, यहाँ भी रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है और ये हमारा वो जो एरिया था ये वाला, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट था ये वाला, क्योंकि यहाँ पर देखिए मार्केट आके कुछ देर तक यहाँ पर रुका था तो इसको ये रिस्पेक्ट ज़रूर करता है। यहाँ पर हो सकता है मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाए और जो हमारा प्रॉफिट था वो भी लेके चला जाता, तो मैंने इसी को छोटा टारगेट मान के अपना प्रॉफिट ले लिया था। लेकिन स्टॉक में 54 पॉइंट छोटा टारगेट नहीं होता है, बहुत बड़ा टारगेट होता है ये। ओके, 54 पॉइंट का मैंने टारगेट रखा था और ये बहुत बड़ा हमारा जो रिवार्ड है ये है स्टॉक में, ऑप्शन होता तो कोई अलग बात थी, 54 पॉइंट बहुत बड़ी बात नहीं होती है उसमें, लेकिन स्टॉक में बहुत बड़ी बात है 54 पॉइंट। सो इसी तरह की लाइव ट्रेडिंग वीडियो के लिए हमें फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।